हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम कुछ कॉन्वर्सेशन सीखने वाले हैं ये कॉन्वर्सेशंस दो फ्रेंड्स के बीच में हैं और बड़े ही स्मॉल कॉन्वर्सेशन्स हैं जो हम डेली लाइफ में अक्सर बातचीत में बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास चार कॉन्वर्सेशन हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पर हैं और दो मित्रों के बीच के हैं तो आगे आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाली है वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आइए कॉन्वर्सेशन नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स दो मित्रों के बीच का वार्तालाप। मेहुल, निशांत डू यू नो दैट रमन इज ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी टूमोरो रमन निशांत क्या तुम्हें पता है कि रमन कल एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है या एक पार्टी की व्यवस्था कर रहा है ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी येट उसने मुझे अभी तक आमंत्रित नहीं किया है इन्वाइट इन्वाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना डिड ही इन्वाइट यू क्या उसने तुम्हें आमंत्रित किया है मेहुल आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट मेहुल मेरे पास इस बारे में कोई भी सूचना नहीं है इनफैक्ट आई मैच हिम यस्टे वास्तविकता तो यह है कि मैं उससे कल ही मिला था बट ही डिड नॉट टेल मी अबाउट इट लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया एनी वेज वाई इज ही ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी चलिए छोड़िए आप ये बताएं कि वो पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है इज देयर आर एनी थिंग स्पेशल क्या कुछ स्पेशल है क्या कुछ विशेष है ही हैज़ गॉट अ जॉब इन मुंबई उसे मुंबई में एक नौकरी मिल गई है सो ही इज थ्रोइंग पार्टी इसलिए वह एक पार्टी दे रहा है एक बार अच्छे से समझने के लिए रीड कर लेते हैं निशांत डू यू नो दैट रमन इज ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी टूमोरो ही हैज नॉट इन्वाइटेड मी यट डिड ही इन्वाइट यू मेहुल आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट इन फैक्ट ही मैट आई मैट हिम यास्टरडे But he did not tell me about it. Anyways, why is he organizing a party? Now this is the second conversation, conversation between two friends. Two mitro ke beech ka Sneha, hello Shibu, I am so glad to know that you have got a job in campus placement. Hello Shibu, mujhe yeh jaankar zada khushi hui. कि तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट में एक नौकरी मिल गई है थैंक यू स्नेहा स्नेहा तुम्हारा धन्यवाद यू गॉट योर एजुकेशन इन अ रेपुटेड कॉलेज तुम्हें जो अपनी शिक्षा मिली है वो एक बहुत ही नामी कॉलेज में नामी महाविद्यालय में मिली है दैट इज़ द रीज़न वाई यू गॉट सच अ गुड अपॉर्चुनिटी यही कारण है जिससे कि तुम्हें इतना अच्छा सुअवसर मिला है इट इज़ नॉट लाइक दैट स्नेहा स्नेहा ऐसी बात नहीं है इफ़ यू वर्क हार्ट अगर तुम मेहनत करते हो या अगर तुम बहुत ज़्यादा कड़ा परिश्रम करते हो यू गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें बहुत सारे सुअवसर मिलते हैं बट वी इग्नोर देम वेन वी गेट सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लेकिन हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं जब हमें इस तरह के सुअवसर मिलते हैं एक बार रीड कर लेते हैं हेलो शिबू, आई एम सो ग्लैड टू नो दैट यू हैव गॉट अ जॉब इन कैंपस प्लेसमेंट थैंक यू स्नेहा यू गॉट योर एजुकेशन इन अ रेपुटेड कॉलेज दैट इज द रीजन वाई यू गॉट सच अ गुड अपॉर्चुनिटी इट इज नॉट लाइक दैट स्नेहा

उधार लिया है या ऋण लिया है यस आई टेकन हाँ मैंने लिया था इट इज अ लॉन्ग बैक और यस आई हैव टेकन इट अ लॉन्ग बैक हाँ मैंने बहुत पहले लिया था बट वाई आर यू आस्किंग दैट पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो राकेश आई थिंक यू आर नॉट पेइंग योर इंस्टॉलमेंट्स टाइमली राकेश मुझे लगता है कि तुम अपनी किश्ते इंस्टॉलमेंट मतलब किश्ते तुम अपनी किश्ते समय से वापस नहीं कर रहे हो या समय से अदा नहीं कर रहे हो हाउ डिड यू गेट टू नो तुम्हें कैसे पता चला? सम ऑफिशियल फ्रॉम बैंक केम टू आर ऑफिस टू इंक्वायर अबाउट यू कल बैंक से कुछ अधिकारी तुम्हारे बारे में सूचना लेने आए थे यू वर एबसेंट यस्टरडे कल तुम अनुपस्थित थे how dear them how dear them to come at my office unki himmat kaise hui mere office mein aane ki rakesh they have lent you money rakesh unhe unhone tumhe udhar diya hai if you are not repaying it they have all rights to inquire about it अगर तुम इसे अदा नहीं कर रहे हो तो तुम उनके पास सारे अधिकार हैं इसके बारे में सूचना पाने के ऑल राइट्स मतलब सारे अधिकार इंक्वायर मतलब सूचना इंक्वायर अबाउट यू तुम्हारे बारे में सूचना लेने का अधिकार नाउ इनक्वान्वर्सेशन नंबर फोर कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स निशी आई गॉट टू नो दैट यू हैव गॉट एंगेज इज इट ट्रू निशी मुझे पता चला है कि तुम्हारी सगाई हो गई है तुम्हारी मंगनी हो चुकी है क्या यह सच है यस इट इज ट्रू हाँ यह सच है आई एम सो हैप्पी फॉर यू मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूं Everyone except me is happy. मेरे अलावा सभी खुश हैं। वाई सो ऐसा क्यों आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ आई वॉन्ट टू मेक माई करियर मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ या मैं अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ आई नो दैट यू आर एन एम्बीशियस गर्ल मुझे पता है कि तुम बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की हो बट यू कैन थिंक अबाउट योर करियर आफ्टर मैरिज ऑल्सो लेकिन तुम विवाह के बाद भी अपना करियर के बारे में सोच सकती हो द फैमिली वेयर आई एम गेटिंग मैरिड इज वेरी नैरो माइंडेड वह परिवार जहाँ मेरी शादी हो रही है वह बहुत ही संकुचित मानसिकता का परिवार है द फैमिली वेयर आई एम गेटिंग मैरिड इज वेरी नैरो माइंडेड दे डोंट वॉन्ट देअर डॉटर इन लॉ टू वर्क इन एनी ऑफिस वे अपनी बहू को किसी भी ऑफिस में काम करने देना नहीं चाहते हैं या वे नहीं चाहते हैं कि उनकी बहू किसी भी ऑफिस में किसी भी कार्यालय में काम करे तो ये हमारे छोटे छोटे, छोटे चार कॉन्वर्सेशन थे दो मित्रों के बीच का वार्तालाप जिनमें हमने सिखाया है दर्शाया है आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत